हेलो भाई लोग, स्वागत है आपका आपके छोटे भाई के यूट्यूब चैनल में, जो कि आपका भाई जल्दी स्टार्ट करने वाला है। तो अगर कोई भी गलती हो तो क्षमा करने का कष्ट करिएगा। वैसे आपको एक अच्छा गेम प्ले दिखाने की पूरी कोशिश रहेगी, बट होता क्या है कि मैं उतरता हूँ ओल्ड बेसिन, बट यहाँ पे मुझे कुछ खास मिलता नहीं है। मिलने का मतलब जैसे किल चाहिए, जो होगी हर प्लेयर्स को चाहिए होती है, वो मुझे यहाँ पर मिल नहीं पाता है। इसकी वजह से मैं थोड़ी अपनी पूरी लूट उट करता हूँ, फिर यहाँ से चला जाता हूँ। एक बॉट के अलावा यहाँ पे मुझे कुछ नहीं मिलता है, तो बस देखिए वो बॉट का किल और गया। इसके बाद आगे जाने पर पता चलेगा कि अब भाई देखिए बंदे इतने कम थे और किल लेना था ज़्यादा, तो हो नहीं पाता है। फिर भी मैं मैनेज करता हूँ। वैसे आप लोग से एक रिक्वेस्ट है पूरी अच्छी तरीके से, कि प्लीज़ बता देंगे कि कौन सा ऐसा हॉट ड्रॉप है जहाँ पे बंदे ज़्यादातर उधर, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। कि यहाँ पे अपनी लूट कर रहा हूँ और क्या कर सकते हैं इसके अलावा, अगर आया नहीं है कोई तो। फिर मुझे थोड़ा सा फिस्टेप जनरेट होता है, मैं सोचता हूँ कहाँ से मार रहा है, कहाँ से आ रही है, कुछ दिमाग लगाता हूँ, इधर से आ रही होगी उधर से आ रही होगी, बट ऐसा कहीं नहीं है। आता होता नहीं, उधर से आता है वो। देखें आप बॉट को मारने को रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि बॉट को मारना कौन रिकॉर्ड करता है यार। तो अब चलता हूँ, इधर से वो साउंड आ रहे थे, जिसकी वजह से इधर ज़्यादा जाना पड़ता है मुझे, और जाते हैं फिर देखते हैं क्या होता है। ये देखिए अभी सामने होते हैं दो या तीन बंदे लड़ते हुए, जो कि शायद से बॉट थे, क्योंकि रियल ऑफलाइन बंदे को मार रहे होते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि इस रूम से आ रही होगी आवाज़, फिर मैं सोचता हूँ नहीं, पीछे से आके देखता हूँ, क्या पता पीछे से आ रही हो, पर पीछे से भी नहीं आती है। तो अब सोचता हूँ अब इस रूम में से आ रही होगी, क्योंकि एक बॉट हो सकते हैं इसमें। तो पहले इसमें मैं देखता हूँ, इसमें नहीं आ रही थी, कोई नहीं था इसमें, तो मैं सीधे अब सोच लेता हूँ कि सामने वाले रूम में है। अब समय इतना कम था, इस वजह से पूरा घुस के मारना पड़ता है, तो मुझे ये नहीं देखता हूँ कि कौन है कौन नहीं है। तो यहाँ पर डायरेक्ट ही घुसता हूँ, यहाँ एनिमी डाउन, मार रहे थे शायद, खत्म कर देता हूँ। इसकी इसके टीममेट को वेट करते हुए वो आता ही नहीं है, मार देता हूँ। अब चलते हैं आगे, देखते हैं क्या होता है। अब इधर सोचता हूँ कि उसका टीममेट आ जाए इधर उधर से, कहीं से भाग के किल विल मिल जाए, पर भाई अपने नसीब में कहाँ है किल कि नहीं। तो यही सोच के अब कदम, चलो बगी वगी ले लेते हैं और थोड़ा सा स्कोप उसकोप चेक कर लेते हैं कैसा है। चेक करने के बाद अपना चलते हैं मारपीट करने। तो उधर सामने ड्रॉप देखता हूँ, तो मैं सोचता हूँ अब ड्रॉप पे तो बंदे पक्के आएंगे, क्योंकि ड्रॉप तो कोई छोड़ता नहीं है। इसी कारण मैं सोचता हूँ ड्रॉप पे चलता हूँ अब, ठीक है। अब ड्रॉप पे जाता हूँ, देखो पूरी फुल स्पीड में एकदम बग्गी की जो लास्ट स्पीड होती है उस पर पूरा कदम कर दे, बूस्ट वूस्ट के साथ एकदम भागता हूँ। देखते हैं ड्रॉप पे पहुँचने के बाद पता चलता है वहाँ पे कोई है ही नहीं। बस देखो आप, यहाँ पे गाइस ड्रॉप लूटने के साथ एक चीज़ होता है यहाँ पे, कि ड्रॉप लूटने के फ़ायदा होता है कि लेवल 3 के हेलमेट वेस्ट और मिल जाते हैं, जो कि ऑब्वियसली आपको पता होगा, और एक एक्सटेंडेड मैग मिल जाता है। तो मैं सोचता हूँ यहाँ पे कोई आ नहीं रहा है, तो देखते हैं आगे जाके कि क्या पता कोई आया हो। अब यहाँ पे एक चीज़ मुझे डाउट होता है, जो कि आप अभी बता रहा हूँ, वो डाउट है, एक गाड़ी दिखती है सामने पहाड़ के पीछे, जो कि मैं यहाँ से देखता हूँ। तो मुझे लगता है कि शायद बंदे आके कैंप कर रहे हैं क्या यहाँ पे, बट ऐसा होता नहीं है। वो गाड़ी नहीं पता पहले से लगी थी कि लगी थी, तो मैं इधर गाड़ी वाड़ी घुमाने लगता हूँ, क्या पता कोई मिल जाए इधर, बट होता नहीं है कोई वैसे। तो अब सोचता हूँ कि इधर कुछ वेयर हाउस या रूम्स हैं, तो वहाँ पर जाके देखता हूँ कोई हो तो शायद कुछ किल विल मिल जाए। तो यहाँ पर गलती से मेरी बगी नीचे चली जाती है, जिसके कारण और भी लेट होता है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, 31 बंदे से अलाइव रहते हैं, 2 किल रहता है, बहुत बुरा लगता है। बट आप लोग ज़रूर बताइएगा कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा हॉट ड्रॉप है, कहाँ पे ज़्यादा बंदे उतरते हैं, ठीक है। मैं आप लोग की इस कमेंट का बहुत इंतज़ार करता रहूँगा, फिर बताता हूँ, देखिए कैसे सबसे हाइस्ट किल लेके दिखाता हूँ, ठीक है। तो अब चलता हूँ आगे, जाता हूँ, ड्रॉप छोड़ो, अब ड्रॉप तो हो गए बहुत, अब उस पर कैंप नहीं करना है, समय नहीं है अपने पास, चलते हैं बंदे के पास अब। तो यहाँ से एक दिमाग आता है, चलते हैं यार सीधे वहाँ पे थर्ड हिल के साइड, देखते हैं वहाँ पे बंदे मिल सकते हैं, बट मिलते हैं, बट उतनी नहीं जितनी चाहिए, पर मिलते हैं कुछ। अब सीधे चला जाता हूँ, आ जाता हूँ,
थोड़ा सामने पड़ जाता है रेड जोन, जिसकी वजह से थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम होती है, बट इसको भी सहन करके मैं आगे बढ़ जाता हूँ। प्रॉब्लम ये होती है ना कि बंदे कहाँ से मार रहे हैं ये पता नहीं चल पाता है, कहाँ से वो एंगल बन रहा है, कहाँ से वो साइन दिखा रहा है वो पता नहीं चलता है। इसके कारण मैंने यहाँ पे बग्गी रोकना ही ठीक समझा, इस वजह से यहाँ पे सीधे बग्गी रोकने की कोशिश की, बट कहाँ कि अब रेड जोन है तो देखेंगे मरेंगे मरेंगे, वैसे भी कील कौन से ज़्यादा हैं कि जी कर क्या कर लेंगे। तो यहाँ पे मुझे आवाज़ आई रहती है पहले से, तो यहाँ पे मैं चेक करने जाता हूँ भाई कहाँ पे हैं कहाँ पे हैं, एक बंदा दिखता है उधर, तो बस बस बगी खड़ा करो, अब देखते हैं जो होगा जो होगा। बस यहाँ पे बगी खड़ता हूँ उस बंदे को पहले, अब उसका एक इधर ऑफलाइन बंदा दिखता है, उसको भी सीधे गाड़ी की आवाज़ आती है, फिर देखता हूँ वो भाई साहब गाड़ी की आवाज़ उसको सोचता हूँ जो कि ना हो जाए। अब मैं सोचता हूँ इसका पता नहीं है, तो इसे सीधे ख़त्म, क्योंकि भाई किल करते हैं तो ख़त्म तो करना ही पड़ता है। अभी एक रोड वाला उसका ये जो रोड से आ रहा था इसका बंदा एक लास्ट है जो फायरिंग करता है लास्ट में, बट आई थिंक फायर अच्छा से नहीं, मतलब एम नहीं रहा होगा इस वजह से नहीं मार पाया होगा। तो यहाँ पे सोचना फायरिंग आने लगती है, बस मैं सोचा भाई कहाँ से आ रही है कहाँ से आ रही है, इस वजह से मैं लुक जाता हूँ थोड़ा सा, फिर देखता हूँ कहाँ से आ रही है, फिर सुनता हूँ छड़ा है यार 5 ही किलो है, और पेन में रस करके देखता हूँ क्या होता है, जो होगा देखा जाएगा। पेन में रस करता हूँ फिर नहीं दिखता है, मैं सोचता हूँ यहाँ से देखता हूँ कहीं से दिख रहा है नहीं दिख, ऊपर दिखता है बस सीधे इसको, कहता हूँ अब जल्दी से जल्दी किल लेना। और इधर से भी अपने लेफ्ट साइड से भी फायरिंग आ रही थी, जिसके कारण मुझे वहाँ पर जाना पड़ता है, तो मैं कहता हूँ पहले हिल बूस्ट रहेंगे तो अच्छे से रहेगा काम ना, इस वजह से पहले हिल विल सब करने के बाद सीधे चल देते हैं इस जंग में जंग। ठीक है गाइस, तो आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा मेरी वीडियो में, और आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने भाई के चैनल पे ऐसे ही बने रहें और दुआ देते रहें ताकि मैं आगे बढ़ता रहूँ ऐसे ही, और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज लाता रहूँ। ठीक है, तो यहाँ पे पहले कहता हूँ एक लूट कर लेंगे, क्योंकि AKM की बुलेट्स उतनी ज़्यादा है नहीं थी, तो यहाँ पे लूट करने के बाद सीधे उसकी गाड़ी उठाता हूँ और सीधे चल जाता हूँ पीछे के साइड, जो कि आप ब्लू रूम्स देख रहे हैं उसमें सीधे। तो सोचता हूँ पहाड़ी से चलूँगा क्योंकि एडवांटेज ज़्यादा रहेंगे, बट अब इधर से एक गाड़ी गुजरती है सामने से, जो आप देखा होगा पीछे देख लीजिएगा स्किप करके, वो गाड़ी गुजरती है उसमें सोचता हूँ मैं उसका पीछा करूँ, बट यहाँ से साउंड आने लगते हैं, फिर अचानक पीछे से साउंड आने लगते हैं, तो मैं यहाँ पर हो जाता हूँ कन्फ्यूज करता हूँ, गाड़ी रुक पहले गाड़ी रुक, पहले सामने वाले बंदों को खिला फिर बाद में देखें कि कौन नहीं नहीं इसमें कोई पता नहीं है वैसे। सामने भाई आप पहले से ही मैं बाद में सोचता हूँ डैमेज मिलते हैं, पर वो गाड़ी रोक के सीधे एंटर कर जाता है, ये देखिए फायरिंग करता हूँ उसका दूसरा भी टीममेट जस्ट थोड़ी देर बाद हो जाता है, इसके कारण नहीं मरता है, और उसका टीममेट जो होता है वो अंदर घुसता है, एक बंदे को मार देता है जो करता है यार ऐसे सो के मारेगा करके साफ। अब यहाँ से तो कुछ तसल्ली थी कि हाँ भाई कुछ किल विल हो गए, अब भाई देखो इतने लास्ट में भाई आपका मार इसको देख नहीं पाता हूँ, और वो भी मुझे देख नहीं। अब यहाँ पे भाई का उसका काम खत्म, अब चलते हैं आगे, पहले एक पेन किलर मार लें क्योंकि आगे पहाड़ी में लड़ना है, जो कि ऑब्वियसली पाँच बंदे जिंदे रहते हैं, जिसके कारण थोड़े से लूट वूट कर लेता हूँ और यहाँ से निकलने की कोशिश करता हूँ। मैं सोचता हूँ इधर कोई होगा वाल के पीछे, पर होता नहीं है कोई, ऐसे देखते हैं मतलब कितने होने के बाद। अब मैं यहाँ पे पानी भी चेक करता हूँ भाई कोई पानी में तो नहीं है,
क्योंकि अक्सर बंदे देखेंगे आप पानी में ही तैरने वरने मिलते हैं, क्योंकि उधर ही इली का जोन बना था, तो इसके कारण यहाँ पे बंदे हो सकते हैं। जो कि मैं पूरा ढूंढता इधर उधर ताकता हूँ कि कहीं मिल जाए, कहीं मिल जाए यार कुछ 6 किल 5 किल कम से कम मुझे ही मिल जाए कुछ ना कुछ। ये सोचा मैं मिलता है, बंदे ऐसे बंदा मिलता है कि गाड़ी रहती है, जो कि थोड़ी देर पहले आप देखे होंगे 2 व्हीलर्स लेके जा रहा था, वही गाड़ी रहती है जम करके। फिर मैं कहता हूँ अब चलो यार वो हो गया, अब 6x लगाते हैं, सीधे कूदते हैं पानी में, जो होगा देखा जाएगा। 3x को कंट्रोल किया उसमें, अब सीधे पानी में कूदता हूँ फायरिंग करके, ताकि कोई हो तो आए आसपास, बड़बड़ बड़ सीधे घुस गया। अब देखते हैं क्या होता है। अब भाई जस्ट अब मैं इसी वजह से फायरिंग किया था ताकि कोई बंदा पानी की ओर अट्रैक्ट हो, जो कि होता भी है यहाँ पे, बट वो देख नहीं पाता इसलिए। और उसका टीममेट भी यहाँ से पास होता है, तो मैं सोचता हूँ भाई जोन भी थोड़ा उसको देके चलते हैं, क्योंकि वो खुद ही मर जाएगा कि उनसे उसका टीममेट कितना रिवाइव देगा, क्योंकि लास्ट सर्कल था इसके कारण। और उसके सोचता हूँ टीममेट को मार के चल, फिर कहा नहीं नहीं जोन काट रहा है चलना चाहिए, इस वजह से मैं उसको छोड़ के चला जाता हूँ। बट हाँ एक चीज़ का ध्यान देता हूँ, पीछे हमेशा देखते रहता हूँ भाई कहीं से वो आ तो नहीं रहा है, सीधे पानी में जाता हूँ। भाई देखो बंदे कम बचे थे जिसके कारण नीचे से ही जाना पड़ता है, और यहाँ पे मैं जोन के अंदर एंटर कर जाता हूँ जिसके कारण बचे। तो यहाँ पे एक बंदा रहता है जो RPG चला रहा था, उस मुझे बहुत डर लग रही थी कि यार मेरा M4 AKM क्या करेगा, उसकी एक गोली मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर देगी। इसके कारण भाई जाता हूँ, कहता हूँ देखा जाएगा यार मारेगा मारेगा क्या हो जाएगा कि नहीं। फिर यहाँ से कुछ चेक चुक करता हूँ कि कोई है नहीं ना आसपास, बट ऐसा होता नहीं है कोई। अब यहाँ पे एक चीज़ मुझसे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, जो कि आप देखेंगे चढ़ पहाड़ी पे चढ़ने की कोशिश करता हूँ बट मैं चढ़ नहीं पाता हूँ यार, क्या ही पहाड़ है भाई। सोचता हूँ इधर से जाऊँगा सीधे है एकदम चढ़ूँगा एकदम मिल्खा सिंह की तरह एकदम हाड़न नाम से जाता हूँ, ब्लैक ही बने हुए, पर चढ़ ही नहीं पाता हूँ इसके कारण। यहाँ पे सोचता हूँ अब यहीं से सोचता हूँ एक ग्रेनेड कर देता हूँ, जो होगा देखा जाएगा यार, पर बंदा होगा तो खुद ही अलर्ट हो जाएगा। तो एक ग्रेनेड करता हूँ, मैं सोचता हूँ अगर बंदा पीक वीक करेगा तो मार देंगे, ग्रेनेड करने के बाद वो पीक वीक नहीं करता है, अच्छे से छोड़ो यार इधर से रोटेशन लेके चलते हैं, क्योंकि जोन के अंदर ही तो है। रोटेशन लेने से थोड़ा सा डर लग रहा था कि हाँ भाई सामने हो सकते हैं सब, ये रोटेशन ले रहा हूँ क्या पता घूम दे कोई, फिर नहीं ऐसा होता नहीं कोई। सोचता यहाँ चढ़ जाऊँ, यहाँ से भी नहीं, और भाई इधर से चलो अभी लास्ट है उपाय यहीं से चलो। यहाँ से मुझे ऐसा लग रहा था कि पेड़ के पास बंदा होगा, क्योंकि हाई एडवांटेज है ना वहाँ से, इस वजह से वहाँ पे एक बंदा दिखता है भाई गीली सूट पहने में लौटता हुआ, हमका बा बाऊ बा। अब एक बंदा और रहता है जो कि उसे RPG मारने की कोशिश करता है, बट वो मरता है, इसकी वजह से उसे पूरा ख़त्म कर देता हूँ। अब बचा है वो RPG वाला। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे ये मेरी कमाल सी ग्रेनेड, जो कि शायद ही कोई करवाता है अच्छा सा। तो यहाँ पे ग्रेनेड काटने की कोशिश करता हूँ, बट मैं जब मुझे लगता है नहीं करेगा, इधर ही बंदा हो सकता है जो ग्रेनेड करता हूँ, जिसको काम खत्म आएगा ये लास्ट में। जिसको अच्छा लगा प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने भाई को चैनल पर बने रहें, और अपने भाई को दुआ देते रहें ताकि आपके लिए एक अच्छी से अच्छी वीडियो बनाता रहे। जय हिंद जय भारत।